नेपाल की उम्मीदों को अब लगेंगे पंख। भारत ने बढ़ाया नेपाल की तरफ हाथ। नेपाल को अब मिलेगा भारत का साथ। एस जयशंकर ने किया नेपाल क्रिकेट टीम से वादा। भारत बदलेगा नेपाल क्रिकेट की तस्वीर। दुनिया में क्रिकेट का सहंसा अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान है। क्रिकेट की दुनिया में भारत का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। भारत अगर किसी पर अपना हाथ रख दे तो उसकी तस्वीर बदलना तय है। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट की दुनिया में वापसी हिंदुस्तान की बदौलत तय हुई। अफगानिस्तान में क्रिकेट का ढांचा मजबूत करने में भारत की बड़ी भूमिका रही। बांग्लादेश में क्रिकेट के ढांचे को भारत ने मजबूत बनाया। अब भारत नेपाल में क्रिकेट को सपोर्ट करेगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम का डंका पूरी दुनिया में यूं ही नहीं बजता। एस जयशंकर की ख्याति एक डेडिकेटेड पॉलिटिशियन के तौर पर है। वो जो कहते हैं उसके मायने होते हैं और एस जयशंकर का किया हुआ वादा झूठा नहीं होता, ये हर किसी को मालूम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने 2 दिन के दौरे के लिए नेपाल गए थे। वहां नेपाल क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारी और नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित पौडेल के साथ कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने एस जयशंकर से मुलाकात की। उन्हें नेपाल क्रिकेट की प्रगति से अवगत कराया और भारत से अपेक्षित मदद की गुहार लगाई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल क्रिकेट टीम और क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर उन्हें T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए बधाई दी और कहा कि भारत उनकी तैयारी के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार है। उन्होंने साफ तौर पर बोर्ड को आश्वस्त किया कि नेपाल में क्रिकेट के ढांचे को मजबूत करने के लिए, क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए भारत हर संभव मदद को तैयार है। इससे पहले भी नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा के समय भी भारत ने नेपाल में क्रिकेट के स्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भारतीय मदद का आश्वासन दिया था और नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के साथ साथ क्रिकेट के ढांचागत विकास के लिए जरूरी मदद मुहैया कराने की कवायद भी शुरू की थी। अब अगर भारत सरकार की तरफ से नेपाल के क्रिकेट को मदद का मजबूत आश्वासन विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से दिया गया है तो ये मानकर चलिए कि नेपाल क्रिकेट के लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकने के लिए जरूरी है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान मिले, अच्छे कोचिंग के साथ साथ क्रिकेट के बेहतर संसाधन मिले। और अगर हिंदुस्तान की सरकार मदद करती है, जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि T20 विश्व कप की तैयारी में भारत नेपाल की मदद करेगा, तो बहुत संभावना है कि संभावित नेपाल की क्रिकेट टीम भारत में आकर कैंप करे और भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय क्रिकेट बोर्ड तैयारियों में उनकी मदद करे। इससे पहले नेपाल क्रिकेट टीम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए भी आ चुकी है, उससे उन्हें काफी फायदा भी मिला। लेकिन अब अगर भारत की सरकार नेपाल को मदद देने को तैयार है तो इससे BCCI के स्तर से भी नेपाल को बेहतर मदद मुहैया हो सकती है। अगर नेपाल के क्रिकेट खिलाड़ियों जिनके पास हुनर और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, दीपेंद्र सिंह ऐरी, रोहित पौडेल, कुशल माला, कुशल भुरतेल, करण केसी जैसे खिलाड़ियों को अगर बेहतर कोचिंग और बेहतर संसाधन मिले तो वो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में एस जयशंकर से मुलाकात के बाद कैन और नेपाल टीम फूले नहीं समा रही। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।